नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अ न्यू अप्रोच में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सांपों के बारे में। और ये जो सांप होते हैं, ये कॉर्डेटा के अंतर्गत रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं। और रेप्टिलिया जो वर्ड निकला है वो रेप्टम से बना हुआ है, और रेप्टम का अर्थ होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग। तो क्रीपिंग इसका अर्थ होता है और क्रॉलिंग जिसका मीनिंग होता है कि जो रेंगने वाले प्राणी हैं उनको रेप्टिलिया के अंतर्गत रखा जाता है। अब आता है सांप के बारे में, आगे देखते हैं कि इनकी जो स्किन होती है तो उसमें स्केल पाए जाते हैं, और ये जो स्केल होते हैं इसके स्केल्स, ये इसको डेसिकेशन, जिसको बोलते हैं पूर्ण निर्जलीकरण, तो डेसिकेशन से बचाते हैं। इस प्रकार से इवोपरेशन वगैरह को कंट्रोल करके रखते हैं। ये पूर्ण तरीके से डेसिकेशन से ये इसकी स्केल्स इसको बचा देती हैं। दूसरी बात आती है कि हमने देखा होगा बहुत जगह पे ये मॉल्टिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? जब ये अपनी भारी स्किन को छोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को मॉल्टिंग बोला जाता है। अब बात करेंगे कि सांप के दांतों के बारे में। तो जो दो दांत होते हैं इसके, मैक्सिलरी टीथ, ये इसके बिस दंत कहलाते हैं, और जिसे फैंग्स भी बोला जाता है। फैंग्स अंग्रेजी में इसे फैंग्स बोलते हैं। और इसके बेस में जो होती है पॉइजनस ग्लैंड लगी होती है, और जो ये दांत होते हैं एक्चुअल में इसके अंदर से खोखला होता है। और मैक्सिलरी टीथ के बेस में पॉइजनस ग्लैंड होती है, और पॉइजनस ग्लैंड किसके द्वारा बनती है? सैलिवरी ग्लैंड के मॉडिफिकेशन के द्वारा ये बनती है। और ये जो इसका वेनम होता है, जहर होता है, बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव जूस की तरह काम करता है, लेकिन हार्मफुल तभी है जब वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। तो वेनम दो प्रकार का होता है। नंबर एक आता है न्यूरोटॉक्सिक, ये नर्वस सिस्टम को फेल करता है, और नर्वस सिस्टम को फेल करने के अलावा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसको पैरालाइज कर देता है, और जिसके कारण दम घुटता है, और उसे बोला जाता है एस्फिक्सिएशन, दम घुटने को। और इस कैटेगरी में जो सांप आते हैं वो आता है कोबरा और करैत और हाइड्रोफिस। दूसरी तरफ हम बात करेंगे आप हीमोटॉक्सिक की, सॉरी हाइड्रोफिश। दूसरी तरफ बात करेंगे, ये जो हीमोटॉक्सिक होता है ये टिश्यूज को डिस्ट्रक्शन करता है। ये ऐसा जहर है जो टिश्यूज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करता है, आरबीसी को खत्म करता है, और साथ में जो आरबीसी का थक्का बनने की प्रक्रिया होता है उसको बंद कर देता है, और इसके कारण डेथ हो जाती है फिर। और इस टाइप के जो जहर प्रोड्यूस करते हैं वो आता है वाइपर और रैटल। आप बात करेंगे कि सांप के इलाज में कौन कौन सी दवाइयां यूज होती हैं। तो मुख्य रूप से बेनाड्रिल, और दूसरी है एंटीसेरा। इन्हें हम एंटी वेनम बोलते हैं। और ये जो है, ये दो इंस्टीट्यूट है फेमस, हैफकिन इंस्टीट्यूट है जो मुंबई में, वहां पे बनाया जाता है इसको, और साथ में दूसरा आता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली हिमाचल प्रदेश में है ये। तो इन एंटी वेनम को सांप के काटने के बाद इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।